Hello students welcome to online classes for laser physics laser physics is the part of your syllabus in form of unit 3 and unit 4 unit 1 and unit 2 are of quantum mechanics and we have completed the quantum mechanics in form of video lecture series and i hope you have enjoyed the quantum mechanics and now you know About the quantum mechanics. As we have completed the quantum mechanics in a similar manner, we will complete the entire laser physics. Laser सबको पता ही है ये देखो आपके सामने लेज़र है. Starting में भी हमने लेज़र से experiment किए थे और market में भी 50 रुपए में लेज़र आज के दिन easily available है. तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को लेजर नहीं पता है लेकिन हमें इन यूनिट्स के अंदर अब लेजर आपको पता है लेकिन अब हमें फिजिक्स के अंदर अब लेजर के अंदर देखो हमने बताया था क्वांटम मैकेनिक्स में कि हर चीज इलेक्ट्रॉन एटम्स की बनी हुई है बच्चों यानी इसके अंदर फोटो भी इंट्रैक्ट करते हैं तो अब हमें लेजर को एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में समझना है कि कैसे हम एक लेजर का बीम ये देखो ना लेजर का रोल क्या है देखो लेजर लेजर इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस हाईली इंटेंस डायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक एंड कोहिरेंस बिंग देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो यह एक ही डायरेक्शन में यानी इसकी लाइट जो है प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में जाती है बच्चे नहीं इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है मोनोक्रोमेटिक बिम होता है यानी ऑलमोस्ट सिंगल वेव लेंथ होती है और कोहिरेंस इसके अंदर कोहिरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम बताएंगे कि वह भी यह प्रोड्यूस करता है तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं तो हम इसकी स्टोरी जैसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स में, में स्टोरी देखी ऐसे ही हम लेजर की स्टोरी देखेंगे कि थियोरेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं यानी आपको अगर मतलब ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर एबिलिटी होगी कि आप लेजर बना पाओ डायरेक्टली नहीं लेकिन इमेजिनेशन से तो लेजर बना पाओगे ना चाहे आप सॉलिड सेट लेजर बनाओ चाहे आप हिलियम न्यो लेजर बनाओ और चाहे आप सेमी कंडक्टर लेजर बनाओ जैसे मेरे हाथ में जो अवेलेबल है ये आपका सेमी कंडक्टर लेजर है तो यूनिट ज्यादा टफ नहीं है सिंपल है इंटरेस्टिंग भी है क्लियर क्योंकि देखो लेजर जो आपके हाथ में ये चीज है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये बना कैसे थियोरेटिकली पॉसिबल था और उसके बाद एप्लीकेशन क्या होंगी आपकी यूनिट में इतना ही है यूनिट भी स्कोरिंग है जैसे मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट आपके चार ही लेक्चर आएंगे, चार वीडियो आएंगे लेजर फिजिक्स के चारों में लेजर फिजिक्स लेजर फिजिक्स में हम एक बार करते हैं टाइम कि लेजर का प्रिंसिपल बना एक्सपेरिमेंटली लेजर बना और लेजर का मतलब क्या देखो लेजर को आपको पता है

जो है जबरदस्ती एमिशन करवा के और एम्पलीफिकेशन करवाएंगे तब आपका जो बीम बनेगा इस लाइट का वो आपका क्या होगा लेजर बीम क्लियर और ये देखो लेजर बना कैसे बच्चों देखो यहां पे टाइमलाइन अगर हम देखेंगे इन 1917 आइंस्टाइन फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ स्टीमुलेटेड एमिशन देखो इंपॉर्टेंट वर्ड यही है स्टीमुलेटेड एमिशन हम बात करेंगे स्टीमुलेटेड एमिशन क्या है तो स्टीमुलेटेड एमिशन आइंस्टाइन ने 1917 में इसका थ्योरेटिकल आइडिया दिया थ्योरेटिकल आइडिया हो ना कि जो कॉपी पेन पे इक्वेशंस की फॉर्म में बताया कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ मिशन यानी ये कौन सा मिशन है ये हम देखेंगे फिर उसके बाद देखो थ्योरेटिकल देने के बाद नाइनटीन में देखो ऐसा नहीं है कोशिश तो की गई उसके बाद भी कि क्या हम इसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म दे सकते हैं तो 1950 में चार्ल्स टाउन यूज्ड दिस कंसेप्ट Of the for देखो ना इसको यूज किया गया डायरेक्शन एक एक में माइक्रोव आपको पता है ना विजिबल रेडिएशन नहीं है तो माइक्रोवेव रीजन में माइक्रोवेवस की हेल्प से लेजर तभी इसको नाम जो दिया गया ना लाइट नहीं माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्लियर अब यहां पर जो यूज किया उसमें उन्होंने जो यूज किया ना अमोनिया अमोनिया वेपर्स को यूज किया ये मेजर बनाने के लिए अब उसके बाद देखो फिर देखो 1958 में टाउन एंड शेलो एक्सटेंडेड दिस आइडिया टू ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज यानी वो देखो कोशिश की गई कि इसको माइक्रोवेव uh, रीजन की बजाय ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज में लाने की और जो विजिबल रेंज में देखो इन 1960 हंड्रेड सिक्सटी टी म्यामान प्रोड्यूस फर्स्ट लेजर ये देखो फर्स्ट लेजर आपका कब बना 1960 में और कैसे बना यूजिंग रूबी क्रिस्टल अब ये रूबी एक नाम है बच्चों क्रिस्टल का सॉलिड स्टेट मटेरियल का जो आपका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. एल टू ओ थ्री तो यानी ये यूज करके उन्होंने फर्स्ट लेजर बनाया फिर उसके बाद एक साल बाद 1961 में ए जवन एटेल का मतलब है बहुत सारे लोग इसके साथ थे डेवलप्ड गैस लेजर अब उसके बाद आया बच्चों देखो गैस लेजर जो हीलियम नियोन लेजर था और उसके बाद तो सेमीकंडक्टर लेजर भी आए और आज के दिन तो हमारे पास सॉलिड स्टेट लेजर गैस लेजर सेमीकंडक्टर लेजर बहुत तरह के लेजर अवेलेबल हैं और अलग अलग वोल्टेज के जैसे मैंने आपको जो लेजर दिखाया था ना उसकी जो वोल्टेज क्या है मिली वो आपका 5 मिली वॉट का है लेकिन आपके पास जो आज के दिन अवेलेबल है टेन डेज फॉर माइनस नाइन वॉट से लेके ये आपका वॉट है टेन फॉर माइनस नाइन वॉट से पावर 8 वॉट तक के लेजर अवेलेबल है बच्चों आज के दिन और एप्लीकेशन आपकी देखो एप्लीकेशन लेजर सिर्फ ये नहीं है कि दिवाली के लिए यूज होता है आप देखो लेजर की जो एप्लीकेशन है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है आपका जो ये मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है ना लेजर गाइडेड जो इक्विपमेंट है मिसाइल्स हैं बॉम्ब्स हैं लेजर गाइडेड भी आपके होते हैं और फिर आपका कटिंग जैसे हम जो कट करते हैं जैसे आयरन को कट करना तो लेजर यानी इतने हाई पावर्ड लेजर होते हैं तो कटिंग में भी लेजर का यूज होता है तो आज देखो लेजर कितना यूजफुल है तो ये कितना अच्छा होगा कितना इंटरेस्टिंग होगा कि हम उस लेजर को समझ पाए ठीक है बच्चों तो आप इसको समझने की कोशिश करो और लेजर बनाने की कोशिश करो चाहे वो इमेजिनेशन में ही क्यों ना हो कि आप लेजर बना पाओ कि आप हमसे मांगो कि जी हमें मटेरियल दे दो तो हम लेजर बना लेंगे तो आप ऐसे ही सोचो बच्चों क्लियर हम यहां पे पूरी थ्योरी भी करेंगे और एक्सपेरिमेंटल भी करेंगे कि देखो आपके सिलेबस में यही है जो रूबी रूबी लेजर है आपका यानी सॉलिड सेट लेजर जो है हीलियम लेजर है और सेमीकंडक्टर लेजर है और थ्योरी तो हम इस यूनिट में करेंगे ही थर्ड यूनिट यूनिट में में और फोर्थ में हम हम एक्सपेरिमेंटली इसको कंस्ट्रक्शंस के के साथ प्रिंसिपल्स के साथ प्रिंसिपल्स देखेंगे तो यानी आपके सिलेबस में पूरा लेजर कवर हो जाता है तो क्लियर हाँ देखो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं लेजर के फीचर्स के साथ लेजर के क्या फीचर्स हैं जो लेजर जो है लेजर इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसिस हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक डायरेक्शनल एंड कोहिरेंस बीम ये चार प्रॉपर्टी जो है डायरेक्शनलिटी इंटेंसिटी मोनोक्रोमेसिटी और कोहिरेंस ये चारों हम अलग अलग डिटेल में करेंगे क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन यही आ जाता है कि डिस्कस अबाउट द फ्यूचर्स ऑफ लेजर तो हम वही से स्टार्ट करते हैं तो हम पहले करते हैं बच्चों इसके फीचर्स सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ लेजर लेजर प्रोड्यूसिस हाईली डायरेक्शनल बीम हाईली मोनोक्रोमेटिक बीम हाईली इंटेंस बिम एंड हाईली कोरेंट बीम तो अब हम इनको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे कि सबका मीनिंग क्या है सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनलिटी डायरेक्शनलिटी का सबको पता ही है कि एक ही डायरेक्शन में जाना अब देखो अगर हम एक बल्ब ले एक ऑर्डनरी सोर्स लें अगर आपका सोर्स ऑर्डनरी है ऑर्डनरी सोर्स है चाहे हम मिरर का भी चाहे मिरर भी हम लगा लें तो भी जो एक डायरेक्शन में लाइट नहीं जाएगी वो वो वहां पर आपकी क्या होगी स्प्रेडिंग होगी स्प्रेडिंग रोज उस स्प्रेडिंग किसकी वजह से होती है बिकॉज ऑफ डिफ्रेक्शन ठीक है तो ऑर्डनरी सोर्सेस के केस में वो ज्यादा स्प्रेडिंग है लेकिन लेजर के केस में जो स्प्रेडिंग है ये देखो ये मान लो आपका लेजर का अपर्चर है सपोज डी इज द अपर्चर ऑफ दिस लेजर तो यहां से आपकी लाइट गई तो जैसे ही लाइट जाएगी सो इट स्टार्ट स्प्रेडिंग फ्रॉम सम डिस्टेंस ये देखो कहीं से उस लेंथ को हम बोलते हैं डी स्क्वायर बाय लेमडा ये तो मिनिमम लेंथ है जहां तक स्प्रेडिंग नहीं होती अब इसके बाद देखो यहां पे स्प्रेडिंग स्टार्ट होगी सो so स्प्रेडिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेंथ तो स्प्रेडिंग कैसे होगी देखो यहाँ पे लाइट गई ये लाइट ऐसी स्प्रेड होगी लाइट ऐसे स्प्रेड होगी सो यूअर इंटेंसिटी देखो इंटेंसिटी एट द सेंटर अब ये देखो ना यहाँ पे जो सेंटर से इंटेंसिटी जैसे हम बिम के बाहर जाएंगे सो दिस इंटेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज तो हम यहाँ एक पॉइंट डिफाइन करते हैं सपोज अ पर्टिकुलर पॉइंट एट द आउटर एज देखो आउटर एज अब आउटर एज क्या होगा इट इज पर्टिकुलर पॉइंट वेर यूर इंटेंसिटी बिकम्स वन यहां से वन गोइंग टू द एज तो एक पॉइंट हो गया आपका आउटर एज। तो इस आउटर एज से लेके अब एज को मिला दो इस सेंटर पे ये देखो भाई आउटर एज को हमने मिला दिया सेंटर पे सो दिस वी आर गेटिंग अ पर्टिकुलर एंगल एंड दिस एंगल नाउ नोन एज फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस देखो डाइवर्जेंस का मतलब है फैलना अब यहां पे देखो ना ये फुल एंगल देखो ये पूरा आउटर एज देखो सेंटर से लेके आउटर एज तक हम गए तो यहां जो एंगल बना ये फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस बना अब मान लो किसी सोर्स के अंदर ज्यादा स्प्रेडिंग है तो उस केस के अंदर ये ज्यादा होगा जैसे आपका ऑर्डनरी सोर्स है वहां पे इसकी ज्यादा वैल्यू होगी लेकिन अगर आपका लेजर है इस केस में तो आपकी जो है ना ये ऑर्डर होता है इसका मिली रेडियन का मिली रेडियन का मतलब है कि हर मीटर पे एक मिलीमीटर स्प्रेडिंग होगी हर मीटर डिस्टेंस पे यानी जैसे ही लाइट एक मीटर आगे जाएगी एक मिलीमीटर ये स्प्रेडिंग हो जाएगी फिर एक मीटर आगे जाएगी फिर एक मिलीमीटर हो जाएगी तो यहां पे एक किलोमीटर पे जाएगी तो एक मीटर की स्प्रेडिंग हो जाएगी बच्चों तो क्लियर है तो डायरेक्शनलिटी को हम किससे मेजर करते हैं फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस है और वो मैंने डेफिनेशन इसकी बताई दी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी एग्जाम में भी आपको बच्चों ऐसे लिख के लानी है क्योंकि ये सारे अलग अलग आएंगे एग्जाम में ठीक है कि वट आर द मेन फीचर्स फॉर लेजर क्लियर और इसका ऑर्डर भी मैंने बता दिया कि लेजर के केस में आपका मिली रेडियन है लेकिन नॉर्मल सोर्सेस के, के केस में तो रेडियन से भी ज्यादा है अगर आप मिरर भी लगा लेंगे क्योंकि वो एक डायरेक्शन में नहीं स्प्रेडिंग तो उसकी होगी ही होगी क्या ये बात क्लियर है अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे नेक्स्ट आपका जो फीचर है वो क्या है मोनोक्रोमेसिटी देखो मोनोक्रोमेसिटी का आपको पता है मोनोक्रोमेसिटी मींस क्रोमेसिटी मींस वेवलेंथ मोनो मींस सिंगल सो लेजर इज अ पर्टिकुलर डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ सिंगल वेवलेंथ देखो हालांकि सिंगल वेवलेंथ तो किसी की भी नहीं हो सकती बच्चों लेकिन हां यहां पे जो वेवलेंथ का जो स्प्रेड है वो बहुत कम है जैसे अगर हम बात करें सोडियम सोर्स के केस में याद है सोडियम सोर्स की क्या क्या मोनोक्रोमेटिक आप मानते हो लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या है फाइव एट नाइन जीरो फाइव एट नाइन सिक्स तो अगर हम वहां पे देखें अगर हम यहां पे मोनोक्रोमेसिटी को मेजर करें तो मोनोक्रोमेटिसिटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव बैंडविड ये रिलेटिव देखो रिलेटिव इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव बैंडवेड रिलेटिव बैंड बेड बैंड किसका है ये का जिसे मान लो अगर हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी है ये कि फ्रीक्वेंसी हर फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी क्या होगी तो जो नॉर्मल सोर्स है कि आपका अगर हम बात करें ना जैसे सोडियम का ही है तो सोडियम के केस में क्या होगा आपका फाइव एट नाइन जीरो 5, 8, 9, 6 पे बाकी पे इंटेंसिटी आपकी कम है देखो ये ऐसे ये देखो ना ठीक है और वो भी आपका मोनोक्रोमेटिक बोलते हो आप तो यहां पे अगर हम मेजर करें तो देखो सपोज इट इज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड इट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड व्हाट इज द विड्थ विड्थ एट द हाफ वुड बी द डेल्टा न्यू इट इज द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम इसको हम क्या बोलेंगे फुल विड्थ फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम हाफ मैक्सिमम ठीक है अब यहां पे जो हम इसको डिफाइन करते हैं मोनोक्रोमेसिटी को इट इज डिफाइंड एज ए रिलेटिव बैंडविड्थ डेल्टा न्यू बाय न्यू यानी अगर हम ये क्वांटिटी डिफाइन करेंगे तब ये आपका मोनोक्रोमेसिटी को मेजर करेगी अब लेजर के केस में क्या होता है ये जो स्प्रेडिंग है ना लेजर के केस में वो बहुत कम होता है अगर लेजर के केस की मैं बात करूँ स्प्रेडिंग तो होगी लेकिन वो बहुत कम होगी देखो ये देखो भाई अगर मैं यहां पे निकालू फुल विड हेड हाफ मैक्सिमम तो ये देखो बहुत ही कम है ना यानी आपका सोडियम के केस में इतना है लेकिन लेजर के केस में इतना है बच्चों तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे सबसे बेस्ट अगर कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो आपका वो लेजर ही है क्लियर है बच्चो तो ये देखो ये देख लो ये ऑर्डनरी सोर्स है और ये तो आपका ऑर्डनरी भी हमने क्या लिया है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ही लिया जो आपका सोडियम है अगर हम सिंपल कन्वेंशनल सोर्स की बात करें तो उसके केस में तो स्प्रेड जो है बहुत ज्यादा होता है ये देखो उसके केस में तो जो स्प्रेड है ये देखो कितना स्प्रेड होगा देखो फुल विड थेड हाफ मैक्सिमम ये देखो कितना होगा आपका डेल्टा न्यू नहीं? नहीं लेकिन अगर लेजर के केस की बात की जाएगी तो ये देखो भी लेजर के केस में देखो ठीक है सो दिस इज फॉर लेजर दिस इज फॉर ऑर्डिनरी सोर्स क्या क्लियर है जैसे हम अगर नंबर की टर्म्स में करो बच्चों देखो नंबर की टर्म्स में अगर इसी पे हम नंबर लगाएं ऑर्डिनरी सोर्स के लिए कि मान लो आपका स्प्रेड है पावर टेन हर्ट्स का किसके लिए फाइव इंटू पावर फोर्टीन हर्ट्स आपकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है तो रेशियो आपकी क्या आएगी टू इंटू टें माइनस फाइव अगर लेजर के केस के में हम करें मान लो फाइव हर्ट का स्प्रेड है फुल विथ थर्ट हाफ मैक्सिमम तो और किसके लिए आपने लिया भाई सेम फ्रिक्वेंसी के लिए लिया है तो आपका जो रेशियो आएगी टेंड एज पावर माइनस फोर्टीन तो देखो ये कितना ज्यादा कम है एक ऑर्डिनरी सोर्स से क्या क्लियर है मोनोक्रोमेसिटी नेक्स्ट आपका है इंटेंसिटी इंटेंसिटी सबको पता है इंटेंसिटी क्या होती है अभी इंटेंसिटी ऑफ एनी सोर्स इज डिफाइंड एज द पावर रेडिएटेड बाय द सोर्स पर यूनिट एरिया आपको ये पता है ना पावर पर यूनिट एरिया और पावर की यूनिट क्या होती है वॉट एरिया आपका क्या होता है पर मीटर स्क्वायर अगर हम एक नॉर्मल आपका ऑर्डिनरी सोर्स की हम बात करें जैसे आपका सिंपल बल्ब आपका है सिंपल आपका बल्ब है बल्ब देखो बल्ब अगर आपका है 100 वॉट का 100 वोट का तो आप उसकी इंटेंसिटी निकालो देखो उसकी इंटेंसिटी और इंटेंसिटी भी निकालो मान लो फाइव मीटर पे हम निकालते हैं एक बार देखो निकालो चलो वन मीटर पे निकाल लें तो बल्ब की इंटेंसिटी निकालो इंटेंसिटी एट वन मीटर वॉट इज कितना है हंड्रेड वॉट है लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्या है कि जो बल्ब है बल्ब इज प्रोड्यूसिंग द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन अब ये देखो यहां पे जो आपका स्प्रेडिंग है वो स्फेरिकल है ठीक है वोटेज आपका कितना हो गया हंड्रेड वॉट फोर पाई आर स्क्वायर एरिया आपका क्या है सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर और रे, रेडियस यहाँ पे हमने क्या लिया वन मीटर तो ये आपका हंड्रेड वॉट डिवाइड बाई फोर पाई ठीक है फोर पाई से अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करोगे तो क्या ऑर्डर में आ जाएगा ये ये आपका है एट वॉट पर मीटर स्क्वायर अब हम बात करें हंड्रेड वॉट लेजर की देखो फॉर लेजर अब एक चीज देखो फोर लेजर एक बार हम बात करें लेजर आपने लिया हंड्रेड वॉट का इस केस में रखो हंड्रेड वॉट है लेकिन अब यहाँ पे जो लेजर है देखो लेजर की आपने प्रॉपर्टी की डायरेक्शनलिटी देखो लेजर तो एक ही डायरेक्शन में जाता है वहां पे आपका सोर्स की तरह स्प्रेडिंग नहीं होती है तो वहां पे जो आप अपर्चर का साइज लोगे 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 जो रेडियस लो वो वही जितना जितना लेजर का अपर्चर है 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 मोटा उसका बीम है। और बीम और कितना है? सपोज आप बात करो उसको मिलीमीटर मान लो आपका मिलीमीटर का बीम है बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा फोर पाई एट मीटर पे भी क्या होगा वो मिलीमीटर ही रहेगा ना सो मिलीमीटर मिलीमीटर कितना हो गया आपका टेन स्पॉर माइनस थ्री मीटर स्क्वायर ठीक है तो यहां स्क्वायर किया तो कितना हो गया माइनस सिक्स हो गया तो ये क्या है आपका देखो ऑर्डर क्या आया इसका इंटेंसिटी का टेन डेज टू तो बी पावर एट बाय फोर पाई वॉट मीटर स्क्वायर ये देखो एक तरफ हमने लिया हंड्रेड वॉट का बल्ब एक तरफ हमने लिया 100 वोट का लेजर एक मीटर पे कितना इंटेंसिटी फर्क आ गया बच्चों और आप जितना दूर जाओगे बल्ब की इंटेंसिटी तो उतना ही गिरती जाएगी लेकिन लेजर की का स्प्रेडिंग कम है डायरेक्शनलिटी ज्यादा है इसलिए उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी तो हम ये बोल सकते हैं कि लेजर इज अ पर्टिकुलर डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस हाईली इंटेंस बीमेट इवन एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंसिस क्या यह बात क्लियर है और यह सारा किसकी वजह से ऑनली बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शनलिटी ओके क्लियर अब सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यह आपका है कोहिर ठीक है एग्जाम में सिर्फ ये कई बार अलग से आ जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट कोहिर तो अब हम वो कोहिरेंस करते हैं अब फोर्थ फीचर है बच्चों इसका हाई डिग्री ऑफ कोहिर कोहिरेंस क्या होता है देखो कोहिरेंट सोर्सेस कुछ याद है कि जब आपने इंटरफेरेंस या डिफ्रेक्शन की कंडीशन आपको आपने पढ़ी होगी बच्चों कि व्हाट इज मेन रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस तो उसमें क्या आपने क्या पढ़ा था फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस यूर सोर्सेस मस्ट बी कोहिरेंट सोर्सिस कुछ याद है वो चीज अब वही सेम देखो सेम कंसेप्ट है यहां पर एक और वहां पर आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ डिफ्रेक्शन डिफ्रैक्शन कब होता है वेनवर साइज ऑफ ऑबस्टेगल मस्ट बी इज इन कंपेरिजन विद द वेव लेंथ ऑफ लाइट वो किया था ना आज हम उसको वही मैथमेटिकली एक बार मैथमेटिकली करेंगे और फील करने की कोशिश करेंगे कि वो डीज इन इज इन कंपेरिजन विद द लेमडा का मतलब क्या है ठीक है बच्चों तो यहां पे वही को देखो का मतलब क्या है इट मे बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ फेज कोरिलेशन आपका क्या है डिग्री ऑफ इट इज द डिग्री ऑफ फेज कोरिलेशन फेज फेज वर्ड पता है फेज क्या होता है फेज कोरिलेशन फेज कोरिलेशन देखो फेज 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 क्या है अगर आपका वेव आपका है वेव सपोज वी आर हैविंग द वेव ये देखो अभी वेव है इफ एनी सोर्स है तो हम इसको क्या बोले दे आर को दिस बिम इज कोहिरेंट बिम क्लियर लेकिन अगर मान लो आपका जैसे ऑर्डनरी सोर्स है सिंपल आपका ऑर्डनरी सोर्स है इफ इट इज प्रोड्यूस इफ इट प्रोड्यूसिस लाइट इन ऑल द डायरेक्शन तो आपके क्या होंगे देखो एक वेव यहाँ गई एक वेव यहाँ गई अब एक वेव यहाँ गई और ये जो वेव्स हैं, ये भी कोई फेज में नहीं है ये देखो ना फेज का मतलब है कि मैक्सिमा एक का मैक्सिमा दूसरे का मैक्सिमा तीसरे का मैक्सिमा ऑलमोस्ट सेम टाइम पे है

इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाते हैं और फोटोन रिलीज करते हैं अब एक बात बताओ इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं तो हर एटम एक साइड अलग अलग टाइम पे होगा ना तभी यहां पे कोई भी फेज का रिलेशन नहीं रहेगा फोटॉन्स में या वेव्स में तभी वहां कोई फेज का को रिलेशन नहीं होता लेकिन लेजर के केस में क्या है बिकॉज ऑफ द स्टीमूलेटेड एमिशन यहाँ पे जो वर्ड है ना स्टीमुलेटेड ये जो स्टीमुलेटेड एमिशन है इसकी वजह से क्या होता है ऑल वेवस आर वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज तभी यहां पे आपका फेज को रिलेशन मेंटेन हो पाता है और बीम कोहिरेंट रह पाता है अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें कि कोहिरेंट जो है बीम क्या होगा सपोज यू आर हैविंग एनी साइन वेव ये देखो भाई ये साइन वेव वेव है। है यानी अगर मैं यहां से बता सकता हूं, ये है, कि ये साइन पे फेज़ क्या होगा, इतने टाइम बाद क्या होगा तो हम यहाँ से तभी हम यहाँ से अब डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द कोहिरेंस लेंथ एंड व्हाट इज द कोहिरेंस टाइम ये देखो यहां पे का था आपका कोहिरेंस लेंथ होगी? इट इज अ पर्टिकुलर लेंथ फॉर विच यूर बींग रिमेन साइनसोडियल येल की तरह है देखो मान लो लेकिन आपका देखो हमेशा कोई भी जो सोर्स है ना चाहे लेजर भी है वो ऐसी नहीं करता देखो उसकी कैसी होगी यहां से देखो ये आपका है ये साइन वेव प्रोड्यूस की फिर फेज ब्रेक हो गया आपका इसके बाद हमें नहीं पता क्या फेज आया लेकिन फिर साइन वेव आई फिर फेज ब्रेक हो गया आपका फिर आपकी साइन वेव आई फिर फेज ब्रेक हो गया आपका तो ये यह देखो यहां पर एक चीज देखो यहां से लेके यहां तक ये यह साइन वेव है यहां से लेके यहां तक ये यह साइन वेव या कोसाइन वेव मतलब साइनोसोडियल वेव है तो यहां पे हम बोलेंगे कोहिरेंस लेंथ क्या होगी द लेंथ फॉर विच यूर बीम रिमेन साइनोसोडियल यानी यहां के लिए और इसको हमने क्या बोल दिया कोहिरेंस लेंथ एल सी एल सी ए है एल सी एल सी ए है क्लियर तो ऑर्डनरी सोर्सिस एल सी बहुत कम है लेकिन लेजर के केस में ये LC कुछ ज्यादा है समझ में आए ना लेंथ और कोई टाइम क्या होता है एक कोई रेंज टाइम टाइम रेंज टाइम क्या टाइम ड्यूरिंग विच द बीम्स रिमेन्स आइनोसोडियल तो वो आपका क्या हो जाएगा कोई टाइम और दोनों में रिलेशन क्या होगा नहीं तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है एल तो ये वेलोसिटी क्या होता है lc tau c कोहेरेंस टाइम सपोज इट इज अ टाउसी सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम क्लियर अब एक चीज और यहां पे आती है बच्चों जो आपका ये कोहेरेंस है कोहेरेंस इज ऑफ टू टाइप स्पेशल कोहेरेंस एंड टेंपोरल कोहेरेंस मैं वही अब बता रहा हूं कोहेरेंस इज ऑफ टू टाइप स्पेशल कोहेरेंस एंड टेम्पोरल जैसे हमने अभी क्या किया? Coherence is the degree of phase correlation. Clear? तो यहां पे अब हम करेंगे स्पेशल कोस क्या होगा और टेम्पोरल कोस क्या होगा देखो स्पेशल है स्पेस के अंदर यानी आपका क्या देखो ये कोस में आपका क्या था इट इज अ डिग्री ऑफ फेज कोरिलेशन Between the two points, if you are selecting a two different point at the same time, then that would be your spatial coherence. So, spatial coherence is the degree of phase correlation for the radiation at two different points in the space but at the same time. यानी या आपने डिस्टेंस अलग लिया है तो दो अलग अलग डिस्टेंस पे अगर हम फेज को रिलेट कर पा रहे हैं देखो फेज यहां से यहां तक पहली बात तो होनी चाहिए वो फिर ही हम फेज को रिलेट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पेशल और क्या होगा कि डिग्री ऑफ फेज को रिलेशन एट अ वन प्लेस बट एट ए डिफरेंट टू टाइम्स क्लियर तो अब यहां पर देखो बच्चों जो स्पेशल क्वेर है स्पेशल से आता क्या है इट इज रिलेटेड विद द फाइनाइट विड्थ ऑफ सोर्सेज देखो ना फाइनाइट विड्थ फाइनाइट ऑफ सोर्सेस। अब आप ये कहोगे जी कौन से विथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइनाइट विद का मतलब क्या है जैसे देखो आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद है डबल स्लिट इंटरफेरेंस डबल स्लिट इंटरफेरेंस में आपने क्या किया था कि यू हैव चूजन सिंगल स्लिट एस ये आपका सिंगल स्लिट था फिर उसके बाद आपने लगाया दो स्लिट्स ठीक है फिर आपका था स्क्रीन यह आपका स्क्रीन ठीक है सपोज इट इज द सेंटर वन स्लिट एस वन अनदर स्लिट एस टू ठीक है यहां पे आपका क्या था लाइट सोर्स यह आपका है लाइट सोर्स तो ये जो सिंगल स्लिट ने देखो ये सिंगल स्लिट ये आपने सिंगल स्लिट लिया यहां से लाइट जाएगी एस वन एस टू पे पड़ेगी तो अब ये देखो ना नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग द टू सोर्सेस फ्रॉम वन सोर्स यही तो आपको इंटरफेरेंस uh, में कोस की कंडीशन थी ना कि कोह सोर्सिस कब हो सकते हैं व्हेन द टू आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स ठीक है अब यहां से आपने प्रोड्यूस किए देन ऑन दिस स्क्रीन अब ये देखो ये जो स्क्रीन है आपकी ऑन दिस स्क्रीन वी आर गेटिंग वेरियस मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा सपोज यू आर एट एनी पॉइंट पी अब मान लो आपका कोई भी पॉइंट है पी ठीक है अब इस पी पॉइंट पे पी पॉइंट कहां पे सपोज इट इज सेंटर ओ एंड इट इज एट डिस्टेंस एक्स ठीक है तो यहां से लाइट जाएगी एस वन पी एक यहां से लाइट जाएगी एस टू पी कुछ याद है ये चीजें ठीक है एंड सपोज स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड द कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन ये आपकी क्या है स्क्रीन और ये आपकी क्या है डबल स्लिट ओके सो कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड डबल स्लिट क्लियर अब यहां पे अगर ये तो मुझे बताओ पी पे पाथ रिफरेंस क्या था अगर आपको याद होगा तो वट इज द पाथ रिफरेंस एट पी पाथ डिफरेंस होता क्या देखो पाथ डिफरेंस क्या था आपका पाथ डिफरेंस पाथ रिफरेंस एट पी क्या था ये पाथ रिफरेंस वुड बी एस टू पी माइनस एस वन पी एस टू पी माइनस एस वन पी और वो पाथ रिफरेंस आपका क्या था पाथ रिफरेंस आपका था अगर आपको याद होगा अगर ये एक्स है सो एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी ये हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे

एक एक्सपेरिमेंट था कि जहां पे आप ये जो सोर्स है देखो वहां पे हमने S1 S2 तो ले लिए बट व्हाट इज द फाइनाइट विड्थ ऑफ द सोर्स S अभी सोर्स की देखो ऐसा नहीं है कि आप इसको ज्यादा खोल सकते हो नहीं जैसे आप इसको ओपन करोगे यहां से आपका इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाएगा चाहे आपके S1 S2 ऐसे ही एज इट इज रहे कुछ याद है ये मैं बता रहा हूं अगर आपको याद नहीं है तो आप ये सोचो कि यहां पे क्या है मिनिमम जो आपकी जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है दिस एस मस्ट बी वेरी देखो रिक्वायरमेंट यहां पे क्या है सोर्स एस सोर्स एस मस्ट बी मस्ट बी वेरी नैरो वेरी नैरो अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितना नैरो होना चाहिए क्या हम ये मैथमेटिकली निकाल सकते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है कि ये कितना नैरो होना चाहिए और उसी को हम निकालेंगे यहां स्पेशल स्पेशल का मतलब है कि कोहरेन्ट बीम कितनी लेंथ तक रह सकता है तभी मैंने यहां पे लिखा ना फाइनाइट विड्थ इट इज रिलेटेड विद द फाइनाइट विड्थ ऑफ द सोर्स कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेथ रिक्वायर टू सी द दस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न तो यहां से हम ये करेंगे बहुत ही सिंपल है देखो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पाथ किस क्या है अगर दो सोर्सिस हैं तो अब हम यहां पे क्या करेंगे देखो हम एक बार मानेंगे कि ये पॉइंट सोर्स है आपका ठीक है क्योंकि यहां से भी, देखो पॉइंट सोर्स आपका यहां है तो यहां से देखो एस वन तक लाइट गई है बच्चों और एस टू तक भी लाइट गई है देखो ना ऐसे ही गई है ना लाइट तो ये देखो भाई लाइट तो ऐसे गई है ना कि देखो अगर ये पॉइंट सोर्स है तो यहां से एस वन पे एस से एस टू पे तो एस एस वन माइनस एस एस टू अगर सेम है तो जीरो हो जाता है तो पी पे जो पाथ रिफरेंस है वो एस टू पी माइनस एस वन पी रह जाता है और आपका आ जाता है एक्स डिवाइड क्लियर लेकिन अगर सपोज यू आर दिस पॉइंट सपोज दिस पॉइंट इज समिफ्टी टू अनदर पॉइंट बी अगर आपने इसको शिफ्ट कर दिया अलग लेंथ पे तो मुझे बताओ जैसे ये शिफ्ट होगा तो देखो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएंगी ना अगर ये डिस्टेंस चेंज हो जाएंगी, तो यहां से पाथ रिफरेंस आ जाएगा और वो पाथ रिफरेंस इस पाथ रिफरेंस में चेंज होके आपका एक्स बाय d d चला जाएगा बच्चों और हमें वही निकालना है कि वेन दिस पॉइंट इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी देन तो मैं यहां पे दो इमेज आपकी बनाऊंगा देखो दो क्या होंगी वो यहां पे देखो अगर ये ए पॉइंट है मैं सिर्फ ये लेता हूं ए पॉइंट आपका ए पॉइंट सिर्फ आपका ए पॉइंट है ये एस वन पॉइंट है ये एस वन है ये आपका एस टू है ठीक है एक देखो यहां से गई एक यहां से गई क्लियर ये आपके स्लिट्स हैं अब अगर आपका पॉइंट ए है ये स्लिट एस है अगर आपका पॉइंट ए है तो दोनों में मान लो सेम है एस वन ए माइनस एस टू ए सपोज दिस आर सेम क्लियर तो ये जीरो हो जाएगा आपका अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि सपोज दिस ए इज शिफ्टेड टू एल्स ये देखो मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया नहीं क्योंकि अब फाइनाइट अब आपको विड्थ तो मिलेगी ना जीरो विड्थ तो नहीं हो सकती किसी भी सोर्स की अगर मान लो आपकी विड्थ ये है बच्चों एल बी द विड्थ सपोज एल बी द विड्थ ऑफ द सोर्स अगर आ, एल आपकी विट है तो अब यहां से देखो एक यहां पर जाएगी लाइट और एक यहां पर लाइट जाएगी ये देखो अब मुझे बताओ एस टू बी ये देखो ना एस टू बी माइनस एस वन बी अब आपको निकालना पड़ेगा ना अब यहां पे क्या होगा देखो एस टू बी माइनस एस वन बी इज इक्वल टू अब एक चीज देखो अब बी को लो पी पॉइंट कितने जैसे ये देखो फिगर यही है बच्चों यहां पे ये एक्स ऊपर था ना पी पॉइंट अब यहां सपोज करो जो बी है ना ये पी पॉइंट हो गया आपका अगर ये पी पॉइंट हो गया तो यहां पे जो एक्स है वो क्या होगी आपकी एल तो एस टू बी माइनस एल एस वन बी क्या हो जाएगा एल यानी एल स्मॉल डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स वो तो सेम है ही डी एल डी बाय देखो कैपिटल डी मान लो एक बार यही ले लो कैपिटल डी आपका तो ये क्या होगा ऑर्डर में एल डी बाई डी क्लियर तो एस टू बी माइनस एस वन बी दल डी बाई डी ठीक है अब ये देखो ये आया क्या है बच्चो देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये आया क्या है अगर आपका स्लिट है सिर्फ फाइनाइट बहुत ही नैरो सोर्स है यानी ए से अगर ए से रे जाएंगी तो आपका पी पे क्या आएगा पाथ रिफरेंस डी बाई डी क्लियर अब अगर बी से रे जाएंगी देखो ना बी से अब बी कितना दूर है सपोज बी ओवर द डिस्टेंस एल देखो ना अब आपने सोर्स को खोल दिया आप सोर्स को खोलने लगे खोलने लगे देखो ना ये सोर्स जो ओरिजिनल सोर्स आपका आपने जो ओरिजिनल जो स्लिट है जो सोर्स के आगे रखी आपने उसको ओपन कर दिया ओपन कर दिया अगर वो एल ओपन किया देखो उसको चेंज करने से पाथ रिफरेंस कितना चेंज हुआ इसके अंदर एडिशनल कितना चेंज हुआ एल डी बाई डी सो इट इज द एडिशनल पाथ डिफरेंस फेस्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ द फाइनाइट विड्थ ऑफ द सोर्स एल क्लियर अब एक बात बताओ अगर मान लो ए की वजह से पी पॉइंट पे था ब्राइट की कंडीशन ब्राइट एक बार मान के चलो आपको यहां दिख रहा था ब्राइट ठीक है लेकिन अगर आपने ये एल इतना चेंज कर दिया कि यहां पे देखो ना सपोज दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा बाय टू सो व्हेन व्हेन दिस एल डी व्हेन यू एल डी बाय डी इज इन ऑर्डर ऑफ लेमडा बाय टू ठीक है या लेमडा बाय टू अगर ये हो गया तो मुझे एक बात बताओ ए की वजह से अगर यहां ब्राइट बना है तो बी की वजह से देखो λ/2 है तो λ/2 पे तो क्या हो जाता है ब्राइट डार्क में चेंज हो जाता है ना तो यानी वहां पे डार्क की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो जहां ब्राइट है वहां डार्क की कंडीशन होगी जहां डार्क है वहां ब्राइट की कंडीशन तो आपको क्या दिखा यहां पे जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है वो फिर

Will क्या ये बात समझ में आई बच्चों तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो यहां पे कंडीशन क्या आई देखो कंडीशन ये आई टू सी पैटर्न एट पॉइंट पी योर आर एल डी बाई डी यू एल डी बाई डी मस्ट बी लेस देन लेमडा बाई टू अगर ये लेमडा बाई टू से से कम है तो जो लेंथ एल क्या है दिस विड ऑफ यूर फाइनाइट सोर्स मस्ट ऑलवेज लेस देन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ये देखो ये आ गया आपका और यही आपका क्या है स्पेशल कोहिरेंस देखो ना कोहिरेंस इन स्पेस ठीक है तो हम हम फेज को रिलेट कर रहे हैं आपका स्पेस के अंदर तो यहां से आई आपकी फाइनाइट विड्थ व्हाट शुड बी द मैक्सिमम अब ये देखो ना ये आपका क्या आया कि एल मस्ट बी ग्रेटर देन दिस थिंग देखो ना इसे कमी होना चाहिए अगर एल इससे ज्यादा हो गया ना आपका तो फिर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देगा बचोर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखो ना वही हो गया ये सो एल मस्ट बी इन ऑर्डर ऑफ लेमडा देखो ना ये होना चाहिए ना लेमडा क्योंकि डी अगर डी ऑलमोस्ट देखो ना डी और डी पे डिस्टेंस है तो देखो ना लेमडा का ऑर्डर आ गया आपका सो यूअर वेड ऑफ द सोर्स मस्ट बीज इन कंपेरिजन विद द वेव लेंथ ऑफ लाइट क्या ये बात क्लियर है बच्चों क्या ये बात क्लियर है बच्चों ठीक है अब नेक्स्ट आपका है तो क्या है इज द डिग्री ऑफ टेम्पोरलेशन एट अ वन प्लेस बट एट अ डिफरेंट टू टाइम्स ठीक है वो आपका होगा टेंपरल क्वेरेंस और टेंपरल क्वेर पता है क्या है? The, आएगा इट इज रिलेटेड विद द इट इज रिलेटेड विद द मोनोक्रोमेसिटी ये आपका मोनोक्रोमेसिटी आएगा यहां से मोनोक्रोमेसिटी क्योंकि एक चीज देखो टेम्परल कोस से क्या आता है टाइम का कोई आएगा ना तो टाइम वन बाई टी आपका हो गया फ्रीक्वेंसी तो यहां से आपका मोनोक्रोमेसिटी का कंसेप्ट आएगा तो आपको बस इतना ही लिखना है, है टेम्परल कोस में कि इट इज रिलेटेड विद द मोनोक्रोमेसिटी कंसेप्ट ओके ठीक है तो क्या क्लियर है बच्चों तो यहां पे हमने किए मेन फीचर्स ऑफ लेजर और मेन फीचर्स क्या थे लेजर प्रोड्यूसिस हाईली डायरेक्शनल हाईली इंटेंस हाई डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेसिटी एंड हाई डिग्री ऑफ कोई बीम क्या एक क्लियर है ठीक है तो अब हम करते हैं देखो बच्चों यहां तक हमने किए फीचर्स अब हम आते मेन रीजंस में कि हाउ वी आर गेटिंग लेजर बिम कि वो लेजर का बिम कैसे बनता है यानी यहां पे हम करेंगे टाइप ऑफ एबजॉर्बशन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन और फिर हम उसके बाद करेंगे आइंस्टाइन कॉफिशेंट क्लियर हाँ बच्चों अब हम कर रहे हैं देखो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशंस अभी आपने क्वांटम मैकेनिक्स किया था क्वांटम मैकेनिक्स से हमें क्या पता चला कि वी आर हैविंग मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ग्राउंड स्टेट से देखो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करेगा फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड में लेकिन वहाँ जाने के बाद वापस डी एक्साइट होगा एंड इट रिलीजेज द एनर्जी और वो एनर्जी को जो छोड़ेगा वो किस फॉर्म में छोड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ़ॉर्म में छोड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं फोटोन फो की वो फोटोन की फॉर्म में छोड़ेगा तो अब हम यहां पे करते हैं कि एब्जॉर्बन कब होगा इमिशन कब होगा और इमिशन कितने टाइप के होंगे तो पहले हम करते हैं देखो एब्जॉर्प्शन कि एब्जॉर्पन होगा कब ये देखो सपोज यू आर हैविंग योर मटीरियल जिसके अंदर क्या एनर्जी लेवल्स हैं आपका ये देखो ग्राउंड सेट एनर्जी लेवल है सिंपलेसिटी के लिए हम यहां ले लेते हैं दो ही एनर्जी लेवल सिस्टम तो एक और एनर्जी लेवल आपका है ई टू सपोज दिस इज योअर ई वन एंड सपोज दिस इज योअर ई टू देखो ई वन इज द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड सेट एनर्जी लेवल एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड एनर्जी लेवल ठीक है इन दोनों में गैप है और इन दोनों में गैप क्या आपका डेल्टा ई दिस इज द एनर्जी गैप एंड दैट इज माइनस ई वन क्लियर नाउ सपोज यूर इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट अब आपका ग्राउंड स्टेट में है वो क्लियर अब ये देखो नाउ वी आर हैविंग द फोटोन फोटोन है ठीक है आपको पता है जो लाइट रेडिएशन है वो एक फोटोन है तो उस फोटोन की कुछ एनर्जी भी होगी भाई उस फोटोन की एनर्जी क्या दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी बाय रिलेशन इज इक्वल टू एच नू क्लियर इफ दिस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई ओनली देन दिस फोटोन इज absorbed बाय द इलेक्ट्रॉन क्या ये बात क्लियर है आपको देखो बच्चों की अगर ये एनर्जी देखो ये h न्यू है

तो अगर इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्व कर लिया तो मुझे बता इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी होगी फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे बताओ फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे तो यहाँ कोई लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता बच्चों अगर लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा आपको पता है क्वांटम मैकेनिकली या तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में होगा या इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में होगा या हायर एनर्जी स्टेट्स में होगा क्या यह आपको बात क्लियर है ना ठीक है लेकिन यहां पे होगा क्या अगर फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुड नॉट बी एब्सॉर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन ये कब एब्जॉर्ब होगी ओनली फोर ओनली फोर फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस अगर पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी तभी ये यहां पे क्या होगा देन दैट पर्टिकुलर फोटोन इज एब्सॉर्ब बाय दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द हायर एनर्जी स्टेट कब जंप करेगा ये व्हेन दिस एनर्जी व्हेन दिस एनर्जी व्हेन दिस एच न्यू बिकम्स इक्वल टू ई टू माइनस ई वन अगर ये एग्जैक्ट ये एनर्जी है तब क्या होगा ओनली देन देखो ना ये इंट्रेक्शन के बाद अगर ये एनर्जी एचन्यू है ओनली देन द इलेक्ट्रॉन विल जंप इन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और ये जंप कब किया वे एच नो इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन देन फोटोन इज एब्बॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन एंड यू इलेक्ट्रॉन विल बी इन एक्साइटेड स्टेट क्या ये क्लियर है देखो एब्जॉर्ब आपका क्या हुआ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस तो अब आपका इलेक्ट्रॉन किसमें है बच्चों अब आपका इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट के अंदर आप देखो इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया कब एब्सॉर्ब किया वेन ई टू माइनस टू एच यू ठीक है अब इस एब्जॉर्ब को हमने बोल दिया दे, देखोर्बेशन अपने आप थोड़ा हुआ ये हमने इंड्यूस करवाया है हमने इंड्यूस करवाया ना तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं स्टीमुलेटेड आपका क्या है स्टीमुलेटेड देखो स्टीमुलेटेड का मतलब ये इंड्यूस्ड

एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा बच्चों क्या ये क्लियर है अब देखो अब होगा क्या अगर आपका देखो मैं चौक को थ्रो भी करता हूं तो देखो ये ऊपर जाके ऊपर जाके होता क्या है ये नीचे अपने आप आता है ना बच्चों अगर ये अपने आप अपने आप आप डी एक्साइट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑटोमेटिकली हुआ ना तो उसको हम बोल देंगे स्पॉन्टेनियस अब यह देखो वो आपका क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन स्पोन्टेनियस एमिशन कब होगा सपोज यू आर इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट अब यह देखो आपका इलेक्ट्रॉन किसमें एक्साइटेड स्टेट में है

आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था यानी सिस्टम आपका क्या था इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट क्लियर उसके बाद होगा क्या ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम देखो जैसे ऑब्जॉर्बेशन हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा लेकिन उसके कुछ टाइम बाद सो द टाइम ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज द लाइफ टाइम उसको हम क्या बोलते हैं लाइफ टाइम वो आपका क्या होता है लाइफ टाइम लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये क्या भाई जितनी देर के लिए वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहा जैसे हाइड्रोजन के केस की के अगर हम बात करें तो ये आपका लाइफ टाइम क्या टेन माइनस एट सेकेंड हाइड्रोजन के केस में नहीं अगर ये देखो इतनी देर के लिए रहेगा ये उसके बाद उसके बाद वो नीचे आएगा ग्राउंड सेट में ग्राउंड सेट में इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो एनर्जी को तो रिलीज कर देगा ना वो अपनी कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा सेम जितना उसने एब्जॉर्व किया था तो यानी यहां पे कितना एनर्जी को रिलीज किया एचन को यानी आपका फोटोन छोड़ दिया जो कि वेव की फॉर्म में है क्लियर अब एक चीज देखो बच्चों, अगर मान लो आपके पास बहुत सारे एटम्स हैं हमने इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन करवाया तो इलेक्ट्रॉन चले गए एक्साइटेड स्टेट में तो डी एक्साइट होंगे लेकिन हर इलेक्ट्रॉन अगर रेंडमली देखो इसको बोलते हैं रेंडमली अगर ये रेंडम इमिशन होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन कभी छोड़ेगा कोई इलेक्ट्रॉन कभी छोड़ेगा कोई इलेक्ट्रॉन कभी छोड़ेगा छोड़ तो देखो कोई फेज कोई भी फेज का कोई रिलेशन आपस में नहीं आया तो उसको हम बोलते हैं देखो फेज को रिलेशन नहीं हुआ तो आपका वो रेंडम आपका इमिशन था जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस वो आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन था और यही होता आपके ऑर्डनरी सोर्स के केस में कि जब आप बल्ब में करंट फ्लो करवाते हो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं फिर डी एक्साइट होते हैं तो आपकी लाइट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो रैंडम रैंडम फेज होता है है ठीक क्योंकि वहां फिनोमिन आपका क्या है स्पॉन्टेनियस इमिशन काम करता है क्या क्लियर है बच्चों तो ये केस आपका जो ऑटोमेटिक कि इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट में है तो अपने आप वो आएगा ही तो फोटोन को रिलीज करेगा ही करेगा क्या क्लियर है स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप और एस्टिमिलेटेड का मतलब क्या था जो जबरदस्ती हमने करवाया हमने करवाया इंड्यूस करवाया अब एक चीज देखो यहां पे एक और पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी पता है क्या है सपोज वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ठीक है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही है ये एनर्जी ई वन है ये एनर्जी ई टू है क्लियर अब हमने क्या क्या देखो मैंने बताया ना लाइफ टाइम अगर आपका लाइफ टाइम थोड़ा सा ज्यादा है स फॉर सम स्टेट वी आर हैविंग अ सम काइंड ऑफ मेटीरियल इन विच द स्टेट है लार्जर लाइफ टाइम लार्जर यानी जहां पर आप कहो कि इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर रुके वेट करे किसी की वेट करे छोड़ दो लेकिन वेट करे उसको हम क्या बोलेंगे मेटा स्टेबल स्टेट्स देखो ना सम देर आ रहे हो सम स्टेट्स मेटा स्टेबल स्टेट मेटास्टेबल सेटास्टेबल स्टेट आर दो स्टेट इन विच द लाइफ टाइम बिकम्स ग्रेटर देन द दिन फॉर माइनस एट सेकेंड अगर इसे ज्यादा है तो हम उसको क्या बोल देंगे मेटास्टेबल स्टेट यानी मेटा मेटास्टेबल यानी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा वेट करेगा ना अगर वो वेट कर ही रहा है और हमने क्या किया हमने फोटोन छोड़ दिया उसमें फोटोन कितनी फ्रीक्वेंसी का छोड़ा सेम एच न्यू का छोड़ा और वो कितनी एनर्जी थी ई टू माइनस ई वन इसी गैप का यानी ये जो गैप है इसका फोटोन आपने छोड़ा तो अगर ये दो देखो सिचुएशन क्या है एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सेट में है फोटोन आपने छोड़ दिया अब बताओ इसके बाद होगा क्या देखो ये पॉसिबिलिटी देखो बच्चों ये क्वांटम मैकेनिकल पॉसिबिलिटी है कि यहां पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखो ये क्या करे इलेक्ट्रॉन इसको एब्सॉर्ब करके कहा जाएगा वैसे तो ऊपर जाना चाहिए लेकिन ऊपर तो कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है भाई तो पॉसिबिलिटी क्या है कि दिस इलेक्ट्रॉन वुड एब्सॉर्ड दिस फोटोन एंड वुड जंप इन टू द ग्राउंड स्टेट बाय रिलीजिंग अब ये देखो इसके बाद होगा क्या इज इक्वल टू अब ये देखो भाई ये नीचे आएगा तो बाय रिलीजिंग ये देखो ग्राउंड स्टेट में आ चुका है बट बाय रिलीजिंग टू फोटोन एक फोटोन और एक और फोटोन ये देखो भाई बाय रिलीजिंग द टू फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी E2 टू माइनस ई वन बट विद सेम फेज ये देखो ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर ये इलेक्ट्रॉन देखो ना ये इलेक्ट्रॉन अपने आप अगर आएगा तो स्पॉन्टेनियस इमीशन हो जाएगा लेकिन अगर हम जबरदस्ती इमिशन करवाएंगे इमिशन का मतलब क्या होगा कि एचन यू का फोटोन आप डालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे आएगा लेकिन दो फोटोन छोड़ेगा बच्चों और वो दोनों सेम फेज में होंगे तो अगर इस टाइप का इमिशन होगा अब ये इमिशन अपने आप नहीं हुआ ये हमने करवाया है इंड्यूस्ड हुआ है तभी हमने नाम क्या रखा स्टीमुलेटेड एमिशन अगर स्टीमुलेटेड एमिशन होगा तो एक फोटोन से दो बने अब हम एक काम करते ना देखो अब यहीं से लेजर आपका बन जाएगा देखो लेजर कैसे बनेगा दो बनाए अब इसके आगे लगा दो मिरर एक मिरर यहां लगा दो ताकि ये वापस आए ठीक है और इसको कर दो एक्साइट एक्साइट हम करेंगे अलग अलग मेथड से ठीक है फिर एक्साइटेशन में दो से फिर क्या बन जाएंगे तीन फिर यहां मिरर लगा दो फिर बन जाएंगे चार पांच तो ऐसे ही आपका क्या होगा लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता रहेगा बच्चों और एम्प्लीफिकेशन कैसे होगा बाय बाइस्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन और जो बीम यहां से बनके निकलेगा वो आपका कोहरेंट बीम होगा एक ही डायरेक्शन में जाएगा हाईली इंटेंस होगा मोनोक्रोमेटिक होगा और उसी को हम बोल देंगे लेजर बीम। क्या ये क्लियर है तो देखो लेजर बनेगा कब बिकॉज ऑफ द स्टिम्युलेटेड एमिशन ठीक है और इसी से बनेगा लेकिन कब बनेगा जब आपका ये वापस आने के लिए कैविटी चाहिए यहां पे कंटिन्यूसली ऊपर रखने के लिए पंपिंग चाहिए और जो स्टेट है तो यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है लेजर बनाने के लिए बच्चों तो लेकिन हम ये करेंगे बड़े आराम से हम ये सारे स्टेट करेंगे लेकिन उससे पहले अब हम करते हैं थ्यूरी की लेजर को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं देखो यही करेंगे थ्यूरी में यह आपका क्या है ऑफ रेडिएशन हम करेंगे कुछ स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा और कुछ आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो यहां हम थ्योरी करेंगे जो आइंस्टाइन ने 1907 में की थी क्लियर बच्चों तो अब हम करते हैं आपके आइंस्टाइन कॉफिशियंट्स हाँ नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों आपका आइंस्टाइन कॉफिशियंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन कि आइंस्टीन ने इसकी थ्योरी कैसे की थी जो हमने अभी किया आपका कि जो पॉसिबिलिटीज थी आपकी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्बशन कि स्टीमुलेटेड ऑब्जॉर्बेशन कब होगा व्हेन योर एच न्यू बिकम्स इक्वल टू ई टू माइनस ई वन तो यहाँ पे वहां पे अभी मैंने लिया था एक ही फोटोन लेकिन यहां पे मैं लूंगा बहुत सारे फोटो तभी हमने लिया ना एनर्जी डेंसिटी क्योंकि बहुत सारे हैं तो क्या नाम दिया सो यू न्यू इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन जो भी आपके फोटोन्स हैं बहुत सारे हैं क्या एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्लियर तो अगर आपके पास एनर्जी डेंसिटी है फोटोन की जिनकी एनर्जी आपके एच न्यू है तो वो जाएंगे आपके सिस्टम के ऊपर अब सिस्टम में क्या है कि एक ही एनर्जी लेवल नहीं है बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं बहुत सारे एटम्स हैं तभी हमने क्या लिया सपोज एन वन इज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स विद द ई वन यानी एन वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल ई और एन क्या है एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल्स ई क्लियर तो ये मैंने अब यहां पे ले लिया बहुत सारे फोटॉन्स के लिए और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसे ही मैंने आगे लिखा स्पॉन्टेनियस इमिशन स्पॉन्टेनियस इमीशन कब होगा जब ऑटोमेटिक नीचे जाएंगे तो देखो क्या लिया एन टू इज द नंबर इन एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल एन वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल क्लियर ऐसे ही मैंने लिया स्टीमुलेटेड एमिशन एमिशन कब होगा जब आपका देखो ना एनर्जी डेंसिटी होगा अब एनर्जी यानी अब फोटो है रेडिएशन अगर रेडिएशन जाएंगे किस पे कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि आपके एक्साइटेड स्टेट में है तो यहां मैंने ले लिया एन टू इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट एन वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल अब यहां हमें करना क्या देखो हमें यहां कंपैरिजन करना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ स्टीमुलेटेड एब्जॉर्ब देखो ना यानी पे पॉसिबिलिटी देखो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो रेट है कि यहां पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऊपर जाएंगे तो उसको हमने नाम रख दिया सपोज दिस इज द तो मुझे बता भी R1, होगा क्या आर वन टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर आर वन टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू जितने ज्यादा फोटो होंगे उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी एब्जॉर्ब्शन की होगी सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू न्यू क्लियर है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट लगाएंगे सपोज दिस कोफिशिएंट इज टू देखो ना ये कोफिशिएंट का नाम रख दिया मैंने बी देखो बी फ्रॉम वन लेवल टू टू लेवल ठीक है और ये आपका क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टीमुलेटेड तो ये कोफिशिएंट आपका हो गया सो so n1 एंड यू न्यू इसका नाम रख दो इट इज द कोफिशिएंट ऑफ coefficient for stimulated stimulated absor absorption clear suppose it is equation number 1 अभी हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन अब हम करते हैं नेक्स्ट। रेट ऑफ़ भाई जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में तो चले गए आपके लेकिन अब उनका जो नीचे आने का रेट क्या होगा ऑटोमेटिक जो रेट होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा हम जबरदस्ती करवाएंगे वो स्टीमुलेटेड होगा तो एक बार हम करते हैं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन मुझे बताओ ये रेट किस पर डिपेंड करता है भाई इट इज डायरेक्टली परपोर्सनल टू जितना ज्यादा नंबर एक्साइटेड स्टेट में होगा उतना ही रेट ज्यादा होगा सो इट इज डायरेक्टली परपोर्सनल टू एन टू बाकी तो कोई चीज यहां पे है ही नहीं तो प्रपोर्सनलिटी हटाओ एक कॉन्स्टेंट लगाओगे आर टू वन एस पी इज इक्वल टू सपोज इट इज द कॉन्स्टेंट ए टू वन एन टू सो इट इज द कॉफिशियंट फॉर स्पॉन्टेनियस तो ए टू वन इज़ द कॉफिशियंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन तो यहां पे मैंने लिख दिया ना कॉफिशियंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन क्लियर है सो सपोज इज़ इक्वेशन नंबर टू अब आ जाओ नेक्स्ट में स्टिमुलेटेड एमिशन कब होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइटेड स्टेट में है एन टू में एनर्जी डेंसिटी आएगी बहुत सारे आएंगे, तो एब्जॉर्न होगा तो फिर उसके इसमें क्या होगा आपका रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन? नहीं होने के चार से आठ बनेंगे तभी आपका रेट ऑफ एमिशन होगा और डिपेंड करता है देखो भाई, जितना ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा होगा ये न्यू न्यू जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक्साइटेड स्टेट उतना ही ज्यादा ये इमिशन होगा सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो यहां पे भी एक कांस्टेंट लगाएंगे ना तो कांस्टेंट हम क्या लगा देंगे है ना तो यहां पे ये आपका जो है है स्टिमुलेटेड ना स्टिम्युलेटेड तो वही ले लेंगे बी सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा बी टू वन यह आपका क्या था वन टू टू लेवल था ये आपका टू 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 वन लेवल है सो बी टू वन एन टू यू नू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री क्या क्लियर है देखो बस यही इक्वेशन लिखनी थी हमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन अब एक बात बताओ एटिक्वलिब्रियम मुझे एक बात बताओ बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो नीचे आएंगे ना क्योंकि इक्वलिब्रियम की तो वही स्टेट होती है तो यहां पे क्या है एटिक्वलिब्रियम इक्विलिब्रियम मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा भाई टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ इमिशन ये तो होता ही है सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ इमिशन टोटल रेट ऑफ इमिशन क्लियर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या देखो रेट ऑफ ना आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो आर वन टू दो इमिशन आपके हैं, एक spontaneous, एक stimulated है तो ये क्या होगा आपका R21 SP, spontaneous, plus R21 SM. देखो प्रॉब्लम है लिखने में बहुत ही सिंपल लिखा हमने टोटल रेट ऑफ एबजॉर्व इक्वल टू टोटल रेट ऑफ इमिशन अब यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, आर वन टू की नाव पुट द वैल्यू फ्रॉम टू थ्री इन टू दिस इक्वेशन नंबर सपोज इट इज इक्वेशन नंबर फोर तो अब यहां पर रखो क्या आएगा बी वन टू एन वन यू न्यू इज इक्वल टू अब ये ये आपका क्या ए टू वन ए टू वन एन टू प्लस बी टू वन एन टू यू न्यू क्लियर देखो हमने पुट कर दिया है ये अब यहां से काम करो यहाँ पे कॉमन ले लो ये इसको इस तरफ ले आओ तो ये क्या होगा आपका यू न्यू यू न्यू कॉमन आ गए इनमें से इसको इस तरफ ले आओ बच्चों तो यहाँ पे क्या बचा आपका बी वन टू बी वन टू एन वन माइनस क्योंकि इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा बी टू वन एन टू एन टू ए टू वन एन टू क्लियर अब उसको उस तरफ ले जाओ यू न्यू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू ए टू वन एन टू डिवाइड बाय बी वन टू एन वन माइनस बी टू वन एन टू इसको हम और क्या लिख सकते हैं देखो एन टू को इसमें से कॉमन ले लो बी टू वन को भी कॉमन ले लो ए टू वन डिवाइड बाय एन टू को कॉमन लेके नीचे से कैंसिल हो जाएगा देखो ये क्या हो गया आपका बी टू वन को कॉमन ले लो बी टू वन ठीक है एन टू बार लिया तो एन टू से एन टू कैंसिल अंदर क्या बचा आपका बी वन टू डिवाइडेड बाय बी टू वन एन वन बाई एन टू माइनस वन ये देखो भाई एन टू को कॉमन ले लिया हमने बाहर कैंसिल हो गया या ये करो कि एन टू को डिवाइड कर दो दोनों से नीचे ठीक है तो ये हो गया एन टू और यहां पे एन टू एन टू कैंसिल बी टू वन बाहर ले गए गई एज पर दर्मोडाइनमिक्स बी वन टू इज इन ऑर्डर ऑफ बी टू वन ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है ठीक है थर्मोडाइनमिक अगर ये ऑलमोस्ट सेम है तो आपका क्या आया यू न्यू क्वल टू ए टू वन बाय बी टू वन एन टू एन वन बाय एन टू माइनस वन ठीक है जहां पे एन वन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट एन टू क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट मैं एक बार ये साफ करता हूं अब यहां इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव आपने थर्मोडाइनमिक्स में भी क्या होगा बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी स्टेट में वो इसकी एनर्जी पर डिपेंड करते हैं कैसे एज पर थर्मोडानेमिक्स नंबर ऑफ स्टेट इन एनी इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली परपोर्सनल टू द एक्सपोनेशियल ऑफ माइनस एनर्जी ऑफ दैट स्टेट बाई के टी कुछ याद है ये ठीक है ऐसे आपका एन टू आएगा एन टू इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू ई माइनस एनर्जी ऑफ दैट स्टेट ई टू बाई के टी तो एन टू बाई ए वन क्या आ जाएगा आपका एन टू बाय एन वन एन टू बाई एन वन एन टू वन बाई एन वन क्या हो जाएगा आपका देखो दोनों को डिवाइड कर दो कॉन्स्टेंट आएगा कॉन्स्टेंट कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोन ऑफ माइनस इन e1 के टी ये तो एज पर बोल्ट्समैन लॉ है ही आपको पता है बच्चों ठीक है अब मुझे बताओ यहां ई टू माइनस ई वन क्या एच न्यू सो एन टू माइनस ई वन इज इक्वल टू रेस्ट फॉर माइनस एच न्यू बाई के टी दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स प द वैल्यू ऑफ एन टू बाई ए वन इन दिस इक्वेशन अब रखो यहां पर वैल्यू रखो यून्यू यू नक्वल यू तो माइनस हट जाएगा आपका क्या हो जाएगा इेज टू वी पावर एच न्यू बाय के टी माइनस वन दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन अब कुछ याद करो दिस इज density, एनर्जी डेंसिटी सम constant, and एंड ई रेस्ट power एच न्यू के टी माइनस वन ये तो आपने कुछ एनर्जी डेंसिटी का जो रिलेशन है वो हमने जो स्टार्टिंग में जो क्वांटम मैकेनिक्स में फर्स्ट लेक्चर किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का उसमें आपने नहीं किया था बच्चों कि वॉट इज द एनर्जी डेंसिटी इन केस ब्लैक बॉडी रेडिएशन सो फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूर एनर्जी डेंसिटी यू न्यू वुड बी एट पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब वन बाय रेज टू बी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन कुछ याद है किया दीज टू इक्वेश रिलेशन बिटवीन द आइंसटा बी टू वन एन बाई बी टू वन इज इक्वल टू एट पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब ये देखो ये रिलेशन आपका आ गए क्या है स्टिम्युलेटेड एमिशन अब एक चीज देखो अगर फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी तो जो रेट ऑफ एमिशन है वो आपका कम होगा अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये रेट आपका ज्यादा होगा तो यहां से हमें पता चला और हमें रिलेशन पता चला कि वट इज द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कॉफिशेंट दीज आर दिन कॉफिशेंट ए टू वन बी टू वन एंड बी क्या ये क्लियर है और दोनों में देखो बी वन टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी क्लियर है बच्चों देखो मैं फिर ब्रीफ कर दूं यहां पे हमने किया क्या है हमने जस्ट लिखा है देखो रेट रेट ऑफ स्टीमुलेटेड एब्जॉर्बशन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट ऑफ स्टीम एमिशन दोनों रेट सेम होंगे रेट ऑफ एब्जॉर्ब इज इक्वल टू रेट ऑफ इमीशन सो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई देखो दोनों रेट सेम है तो यहां पे आ गया फिर हमने बोल्ट्समैन लॉ से हमने लिखा अकॉर्डिंग टू बोल्ट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एज पर द बोल्ट्समैन लॉ एन वन बाय एन टू इज इक्वल टूज टू पावर एच नो बाई के टी फिर हमने पुट किया प्लैक्स रेडिएशन लॉ से कंपेयर किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गया कि रिलेशन आ गया ना और इसी रिलेशन से हमें क्या पता चला कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी लेवल्स के गैप देखो न्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका एमिशन का रेट होगा जितना एनर्जी कम होगा उतना ही स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट ज्यादा होगा क्या ये क्लियर है बच्चों तो अब हम इसी में करते हैं व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन पॉसिबिलिटी एम्प्लीफिकेशन होगा कब अब हम करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन यानी आपका स्टिमुलेटेड एमिशन से

स्टिमुलेटेड एब्जॉर्ब इसमें चेंज क्या हो रहा है एन वन आपका डी एन वन बाई डी टी इज इक्वल टू बी वन टू एन वन यू न्यू और यहां पे आपका क्या है रेट ऑफ एन टू डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू बी टू वन एन टू यू न्यू अब मुझे एक बात बताओ हमें यहाँ पे देखो एम्पलीफिकेशन जब होगा जब स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट ज्यादा होगा और स्टिम्युलेट एमिशन का रेट कब हो सकता है देखो स्टिमुलेट एमिशन का रेट तो ये है ना मुझे बताओ व्हेन दिस डी एन टू बाय डी टी

बिकम्स ग्रेटर देन एन वन ये देखो दिस मस्ट बी द कंडीशन फॉर एम्पलीफिकेशन यानी यह कब होगा अगर आपके एक्साइटेड स्टेट में देखो एन टू क्या है एन टू इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इफ एन टू इज ग्रेटर देन एन वन ओनली देन देर वुड बी सम काइंड ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड सम काइंड ऑफ

ये देखो भाई पॉपुलेशन इन क्या है कि पॉपुलेशन उल्टा कर दिया अदरवाइज तो आप देखो ना ग्राउंड सेट में ही तो ज्यादा रहेंगे ना एक्ट्रॉन आपके एन वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ये होना चाहिए नेचुरली लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें चाहे हम कैसे भी करें हम अलग अलग टेक्निक से करेंगे वो टेक्निक्स आएंगे जिसको हम नाम देंगे पंपिंग का तो पंपिंग की जरूरत पड़ेगी किसके लिए फॉर दिस कंडीशन एन टू बिकम्स ग्रेटर देन एन वन तो यहां से हमें पता चला कि इफ दिस एन टू बिकम्स ग्रेटर देन एन वन देन ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग मोर प्रोबेबिलिटी फॉर स्टीमिट एमिशन एंड मोर प्रोबेबिलिटी फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन तो क्या क्लियर है तो देखो इन प्रिंसिपल यानी थियोरेटिकली अब आप लेजर को बता सकते हो कि लेजर का मतलब क्या देखो लेजर क्या है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय बाइस्टिमलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन देखो ना बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन और ये कब होगा जब आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा और पॉपुलेशन इन्वर्जन कब होगा जब हम पंपिंग लगाएंगे और कुछ कैविटीज यहां लगाएंगे तब आपका लेजर बन जाएगा बच्चों ठीक है जो कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे तो आज का इतना ही था बच्चों देखो इसमें से जो हमने आज हमने जो किया डेफिनेशन ऑफ लेजर मेन फीचर्स ऑफ लेजर फिर हमने किया उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है स्पेशल फिर हमने आपका किया यहां पे जो है आइंस्टाइन कॉफिशेंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पलिफिकेशन तो हमने जो आर्टिकल्स किए इसके अंदर से 99 परसेंट पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा बच्चों एट मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वैसे हमने आपकी वन थर्ड यूनिट आज ये कर ली है बच्चों ठीक है आप इसकी प्रैक्टिस करो अपनी बुक से प्रैक्टिस करो नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में बच्चों ठीक है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ओके बाय बच्चा